आगरा से खबर, जहां आज से 4 दिन के प्रवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। ताज नगरी में मोहन भागवत पहले दिन करीब 1000 शिक्षकों से सीधा संवाद करने वाले हैं और उसके बाद दूसरे दिन 2000 नव दंपतियों से संवाद करेंगे। इसके बाद संघ के आंतरिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। आगरा में ही अपने प्रवास के दौरान आरएसएस प्रमुख दलित कार्यकर्ताओं के निवास पर खाना भी खाएंगे। इस बात पर संघ ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण में साफ कहा है कि संघ में जाति के आधार पर नहीं बल्कि कार्यकर्ता के आचरण से चुनाव होता है। जिन राजेंद्र जी के यहाँ भागवत जी को खाना खाना है, वो बीते 30 साल से ज्यादा समय से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। तो 4 दिन का कार्यक्रम आगरा में, और हमने आपको बताया कि पहले दिन में शिक्षकों से मुलाकात है, दूसरे दिन के कार्यक्रम में दंपतियों से मुलाकात है, फिर इसके बाद कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करना है और एक दलित के घर में खाना भी खाने जाएंगे संघ प्रमुख। हालांकि सफाई दी जा रही कि इस तरह के कार्यक्रम को या फिर दलित के घर खाना खाने जिस तरह से जाना है, उसे किसी भी तरह की जातिवादी राजनीतिक मानसिकता से जुड़कर ना देखा जाए, क्योंकि जिस दलित के घर में खाना खाने जा रहे हैं 30 साल से संघ के साथ सक्रिय हैं, तो उनके इस आचरण को लेकर ही उनका चयन किया गया है जहां मोहन भागवत भोजन के लिए जाएंगे। तो आज से 4 दिन के आगरा प्रवास पर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और फिलहाल तैयारियां जो यहाँ की जा रही है उनके आगमन को लेकर वो आप देख रहे थे कि काफी तैयारी में जुटे हुए हैं। मंच यहाँ पर सजाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सफाई कुछ भी दे तो चुनाव से पहले, जिस तरह अमित शाह ने पहले बनारस में जाकर एक दलित के घर में खाना खाया था और उसके बाद राजनीति में हर कोई दलित को साधने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार फिर से दलित कार्ड संघ की ओर से खेला जा रहा है। शिव चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिव, 4 दिन का ये दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, तैयारियां क्या चल रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आगरा में आज 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मोहन भागवत प्रवास करेंगे और आज आगरा कॉलेज में जो 1000 शिक्षक हैं उनसे संवाद करेंगे और कल 21 अगस्त को वो करीब 2000 नव दंपति हैं उनसे संवाद करेंगे। और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि 24 तारीख को लास्ट वाले दिन एक चौधरी हैं दलित, उनके घर पर वो खाना खाएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट है पूरी तरह से। और ये आरएसएस का 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। जी बिल्कुल, तो ये 4 दिन का प्रोग्राम है और जिस तरह से खास तौर पे जो हम आखिरी के प्रोग्राम की बात करें दलित के घर भोजन करने की, तो शिव यहाँ पर साफ है कि चुनाव से पहले दलित कार्ड खिला जा रहा है लेकिन सफाई संघ दे रहा है, तो थोड़ा जानना चाहेंगे जिस व्यक्ति के घर खाना खाने जाने वाले हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, वो कब से संघ के साथ जुड़े हैं? देखिए, कई 30 वर्षों से अधिक राजेंद्र चौधरी जो व्यापारी हैं और वो 30 वर्षों से करीब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 4 लोगों का नाम सजेशन दिया गया था लेकिन राजेंद्र चौधरी का घर उन्होंने चुना है और 24 तारीख को शाम को उनके घर जाकर ये खाना खाएंगे। कहीं ना कहीं आगरा में कुछ दिन पहले दलितों को लुभाने के लिए धम्म चेतना यात्रा भी हुई थी बीजेपी की, और अब ये 4 दिन का आरएसएस का प्रोग्राम है। जी चलिए, शुक्रिया शिव आपका जानकारी। तो 4 दिन का एक कार्यक्रम है जिसमें कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और उससे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ एक संवाद होगा, नव दंपतियों से बातचीत करेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक दलित के घर जाकर भोजन भी करेंगे।